नमस्कार, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आते हुए देवस्थानम बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी के कर्नल कोठियाल ने कल से पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है। आइए जानते हैं कर्नल कोठियाल ने आखिर क्या कहा है। पुराना मुख्यमंत्री एक ओहदा होता है, उसको केदारनाथ जैसी जगह से यहाँ पे की शिव का सबसे बड़ा मंदिर है, ये पूरा उत्तराखंड में शिव का इतना बड़ा निवास है, उसके उस जगह से वापस भेज दिया गया। मेरे को लगता है कि पता नहीं है किस मंदिर में कभी जा भी पाएंगे क्या। उसके बाद वहाँ पे गए अपने मदन कौशिक और धनसिंह रावत, ये भी मंशा से गए होंगे कि चलो हम कर लेंगे तीर्थपुरोहितों को खुश। तीर्थपुरोहितों ने देखा नहीं उनको, ये मंदिर में चले गए। जब मंदिर से बाहर आए तो इनको भी घेर दिया गया, 2 घंटे तक बैठा के रखा, फिर उसके बाद में इनको ही वापस भेज दिया। देवस्थानम बोर्ड इतनी स्थिति में आ गया है कि धर्म स्थलों पे अगर ये वाली कार्रवाई हो रही है तो मेरे को लगता है आज भी सरकार जाकर के तीर्थपुरोहितों को सॉरी बोल देगी, तो ये सब के सब एकदम से बातों को मानेंगे और देवस्थानम बोर्ड को एकदम से भंग करने की जो सरकार की जो प्रोसेस है उसमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन सरकार वो जरूर देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के लिए इस सरकार को बुद्धि दे। प्रधानमंत्री जी वैसे भी शिव के भक्त हैं, उनका वो पहले काफ़ी समय केदारनाथ से खुद रहे, मैंने उनको खुद देखा है वहाँ पे। जब पहली बार वो आए थे, जब उन्होंने बोला था कि मैं बाबा का बेटा हूँ, और बाकी में उनकी बहुत सारी भावनाएं जगह थी, कैसे जरूर हमारी सरकार को उत्तराखंड सरकार को बोलेंगे कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करें। आम आदमी पार्टी कल से देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू कर रही है सब जगह, और जितने ज़्यादा हमारी कार्रवाई जेल भरो आंदोलन में बढ़ती जाएगी और तब तक चलती रहेगी जब तक कि देवस्थानम बोर्ड बंद नहीं होता है। सभी को अपनी तरफ से बताने का एक मौका। ये पूरे प्रदेश में चलेगा आपका अभियान? पूरे प्रदेश में चलेगा, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड जो है वो सब जगह को अफेक्ट करता है, उत्तराखंड को अफेक्ट करता है। यहाँ पे तो रोजगार का जो सबसे बड़ा वो है चार धाम यात्रा है, वो यात्रा सारी की सारी फेल हो गई। कल से शुभारंभ होगा, सब जगह से होगा इसका कार्रवाई। इसको करने के लिए मैं आज यहाँ से जब आपसे ये वार्तालाप खत्म हो जाएगा तो मैं जा रहा हूँ उत्तराशी, और वहाँ से मैं जा रहा हूँ केदारनाथ, और केदारनाथ में जाकर के तीर्थपुरोहितों ने मेरे को बुलाया है। उन्होंने मेरे को बल्कि ये बोला कि कर्नल साहब, आप जब आपदा आई थी उस टाइम पे आप आए यहाँ पे रहे, आपने पुनर्निर्माण करा है, आज ये टूट रहा है सब कुछ, आप चुके हुए मेरे को बाकी में लगा कि मेरे को तो सबसे पहले आगे जा करके उनके साथ में खड़ा होना। हरिद्वार में पास होगा अभी इसका प्लान बन रहा है, वो जो आप यहाँ शेयर कर रहे हैं, मतलब कल से पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश कब तक रहेगा? जब तक देवस्थानम बोर्ड के ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं है, अगर सरकार नहीं तो है, लेकिन ये अलग है क्योंकि इसमें तो ना आज रोजगार का, धर्म का, इंसान की सोच का, सबका एक साथ इसकी तरफ लगा हुआ है। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी ही अपडेटेड और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहें राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क।